नमस्कार मित्रों, हाजिर एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल जेके स्टोरीज पर। और मैं हूं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा। आज मैं चर्चा करने वाला हूं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स एंड लिब्रा राशि के बारे में। जो लिब्रा राशि जो है, इसका क्या प्रभाव ग्रहण का इसके ऊपर रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे लगा के लिब्रा राशि के बारे में बताएं, तो बिल्कुल मैं आपको पहले कुंडली दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुंडली आपके सामने हाजिर है, तो कुंडली को देखें। तो सबसे पहले, जैसे राशि लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी राशि के बगैर या लग्न के बगैर कुंडली की कोई अहमियत नहीं है। तो आपकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ग्रहण काल समय में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसमें वीनस जो है राशि लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में रहेंगे, और अपनी ही राशि में है लेकिन फिर भी 8th हाउस में है, तो ये अपने आप में एक कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, चंद्रमा आपके जिसको ग्रहण हो रहा है वो 3रे घर में जुपिटर और केतु के साथ है, और चंद्रमा 10वें घर का लॉर्ड है। तो ये जो स्थिति है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, या आपके ये ग्रहण कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आश्चर्यजनक बात है, कि जिस समय ये ग्रहण होगा, जो मैंने ग्रहण काल का जो समय डाला है, तो उस समय में लिब्रा राशि जो है, तुला राशि जो है, वो अदृश्य होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर अदृश्य होगी तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है ग्रहण का लिब्रा राशि के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी हम अगर ग्रहों की स्थिति को साथ में देख लें, चंद्रमा की स्थिति को साथ में देखें, तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर मैं अगर बात करूं, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। राशि लॉर्ड अष्टम भाव में है, और वो चंद्र से भी अष्टम से छठे भाव में है, या ये कहें कि चंद्रमा उनसे अष्टम भाव में है। तो ये एक षडा अष्टक जो स्थिति है लग्नेश की, अपने से और चंद्र से ग्रहण कालिक, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस स्थिति का मतलब सीधा सीधा ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपके शत्रु या आपको नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई का फायदा उठाने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, बिना किसी कारण से किसी की बात में आप इन्वॉल्व ना हो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, किसी की विटनेसिंग जो है वो विटनेस ना बने किसी का, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अपने वजन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। आप देखेंगे कि आपके पेट में इस समय के दौरान कुछ स्थितियां हैं जो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से पेट में दर्द रह सकता है, ब्लोडन रह सकती है, अनइजीनेस किसी तरह की भी आपके पेट से रिलेटेड कोई भी आपको हो सकती है। वहीं आप देखेंगे 10th हाउस, क्योंकि चंद्र और शुक्र जो लग्नेश और जो राशिपति हैं, अगर देखें तो जुपिटर उस समय धनु राशि में, ये ग्रहण होगा तो जुपिटर राशिपति हैं, लग्नेश और राशिपति भी आपस में षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं, वहीं 10th और 3rd हाउस भी आपस में षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपके काम काज में बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, अननेसेसरली रुकावटें पैदा की जा सकती हैं, और आपके बने बनाए कामों में रुकावट आ सकती है, कोई चीज चल कर आप तक ना पहुंचे, ऐसी समस्याएं आपके सामने जो है वो आप उनको फेस कर सकते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखें, कोई सी भी नए काम की जिम्मेवारी लेते वक्त 2-3 बार 4 बार सोच लें, क्योंकि जिम्मेवारी लेना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी जो कहते प्रॉमिस ना करें जो आप निभा ना पाए, जिससे आपकी बदनामी हो। और साथ ही साथ पेट की मैंने बात की, तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये बहुत जरूरी बात है। और मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ आपको, मैं यही कह सकता हूँ कि अदृश्य होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन ग्रहों की अपनी पोजीशन जो है वो अच्छी ना होने की वजह से ये ग्रहण दोष जो जो ग्रहण है, ये एक दोष कारक बन गया है, या ये कहें कि आपके ऊपर से जो अच्छे बुरे प्रभावों की एक स्थिति हो सकती थी, वो कहीं ना कहीं उसको इसने स्टॉप ओवर कर दिया है। खाली सूर्य ही एक ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, हम देखें तो सूर्य भी राहु के साथ हैं, कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाभेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए आपको पूरी मदद करेंगे इस मुश्किल समय में, कि आप बिल्कुल सही तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाए। इस समय में कोई भी गलती आपसे ना हो, अगर इसके बावजूद भी जानकारी ना हो, गलतियां हो जाएं तो अनजाने में की गलतियां गलतियां होती हैं, जो जिनकी जानकारी हो फिर भी की जाए वो गलतियां गलती नहीं होती हैं। इसका मतलब कि आपको पता था फिर भी आपने जानबूझ के किया, तो आपने प्लानिंग के साथ इंटेंशनली वो चीजें की हैं। तो अब आपको यह देखना है कि आप किस ओर हैं, आप अपने नुकसान की हो रहे हैं या अपने फायदे की हो रहे हैं, चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, या किसी दूसरे कोई दूसरा इंसान है जो आपको अपने कंट्रोल में अपने तरीके से आपको चलाए। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि जो इक्लिप्स है, जिसको लेके हम अक्सर कर चिंता करते हैं कि अरे चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, बहुत समय पहले इनके बारे में चर्चा होने लगती है, अलग अलग
लोग जो है आपको इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं बताते हैं और डरा भी देते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर सही समय पर सही दिशा में एक्शन लिया जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कुदरती घटना है, इसमें आपका दोष नहीं है। एक्लिप्स का होना कोई आपका दोष नहीं है, ये एक नेचर का प्रोसेस है जो होना ही है, और सब राशियां इससे प्रभावित होंगी, इसलिए आपको सीधा दोष नहीं दिया जा सकता। आपका दोष सिर्फ इतना है कि आपने सही कदम, सही एक्शन सही समय पर नहीं लिया, और आप एक यूजिंग टूल की तरह उपयोग अपने आप को करने का आपने एक अख्तियार दिया जो आपको बिल्कुल नहीं देना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने दी है वो उससे आप लाभ ले पाएंगे और आप बहुत सारी चीजों को अब अच्छे से समझ सकते हैं और बैलेंस कर पाएंगे। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा, क्या आपने मेरा चैनल जेके एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जो भी वीडियोस या नई जानकारी होती है, मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और उससे आपको लाभ होता है। इसके अलावा और एक चीज है कि एवरी संडे एंड वेडनेसडे 5 PM यूके टाइम के हिसाब से मैं लाइव जो है प्रोग्राम करता हूं, और फ्राइडे के दिन भी लाइव प्रोग्राम रहता है दोपहर 12 बजे जेके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी और MATV चैनल के माध्यम से भी Sky 71 पर। और इस दौरान आप ढेर सारी चर्चा मेरे साथ फोन कॉल्स के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कर सकते हैं, और आप मेरे साथ कभी भी ऑफ एयर बात कर सकते हैं, प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई सवाल जो आपको जिसकी चिंता है आप निश्चित तौर पर उसके बारे में मेरे साथ बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल होगा और नई वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।